तो हे हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है स्वागत है स्वागत है आप लोग का माइनक्राफ्ट का इस सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 18 पर। तो गाइस आज हम लोग क्या करने वाले हैं भाई अपन? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइस आज हम लोग माइनिंग करने वाले हैं, बिकॉज मेरे पास, आप खुद ही देखो, मेरे पास बहुत सारे आयरन का वेपन्स है, लेकिन मेरे पास डायमंड का वेपन्स बहुत कम है एंड मेरे पास डायमंड्स बहुत कम है। तो मैंने आज सोचा कि भिंडी कैसे भी करके आज बहुत ढेर सारा माइनिंग करेंगे एंड माइनिंग करके आज हम लोग डायमंड ढूंढने वाले हैं गाइस। एंड मैंने मेरे घर के अंदर एक वाटर लिफ्ट भी बनाया, वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा एंड आप लोग को लगता है कि माइनक्राफ्ट का ये सर्वाइवल सीरीज और आगे जाना है और वीडियो सब कुछ के ऊपर चाहिए, तो यार कम ऑन गाइस, कम से कम 15 लाइक तो मुझे चाहिए इस वीडियो के लिए। हुआ तो 15 लाइक कर दो एंड अगर आप लोग इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस वैसे तो मैंने घर पे ज़्यादा कुछ अभी फिलहाल के लिए चेंजेस नहीं किया, बस एक लिफ्ट के अलावा। तो पहले मैं आपको वो लिफ्ट तक पहुँचा के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो गाइस तुम लोगों को मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो टनल मैंने बनाया है, जो डायरेक्टली वॉय एक्सिस 12 पे पहुँचता है, वहाँ पे आज हम लोग डायमंड माइनिंग करने वाले हैं। डायमंड मुझे जब तक 50 नहीं मिलेगा साला, तब तक मैं आज का ये माइनिंग नहीं छोड़ने वाला हूँ। भले कितना भी ये वीडियो बड़ा हो जाए, मैं आज 50 का 50 डायमंड ढूंढ के ही रहूँगा। तो गाइस पहले डायमंड ढूंढने से पहले आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरा घर में मैंने कहाँ लिफ्ट बनाया है एंड मेरा इस घर का फेवरेट लोकेशन पे कैसे पहुँचते हैं। तो पहले आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये जगह है एंड यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है बेसमेंट माइनिंग सेक्शन। तो इसके साइड में जो पानी है इसे हमें पकड़ना पड़ेगा हर एक फ्लोर में जाने के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं जब ये पकड़ के ऊपर जा रहा हूँ तो मैं ये पहुँच गया पहला अपना स्टोरेज रूम पे, जहाँ पे जो भी मैं सामान लेके आऊँगा तो मोस्टली यहाँ पर ही मैं स्टोर करने वाला हूँ। एंड इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये बन गया मेरा बेडरूम और यहाँ पे सब कुछ मैं चीज़ें स्टोर होता हूँ। और लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर मैं साइड से निकलूँगा तो यहाँ पे मैं बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा, नहीं मुझे और ऊपर जाना था। जब मैं इसे ऊपर जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा अपना वर्कर्स रूम पे, और यहाँ पे मोस्टली जो भी छोटे मोटे काम होता है वो मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे रखा हूँ। एंड यहाँ पे मोस्टली आगे आने वाली जो भी चीज़ें मैं बनाऊंगा यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ एंड इसी रूम पे मैं काम करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इस रूम का नाम वर्कर्स रूम रख दिया। एंड इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये हम आ गए हैं एनचैंटिंग रूम। तो यहाँ पे लाइब्रेरी है और यहाँ पे एनचैंटमेंट का जो भी चीज़ें चाहिए होता है सब कुछ मैंने यहाँ पे लगा के रख दिया। एंड इसके ऊपर बन जाएगा अरे द पैलेस। तो ये है गाइस द पैलेस एंड इसके ऊपर जो है वो मेरा फेवरेट लोकेशन है इस कैसल का, और वो है ये। तो गाइस यहाँ से आप लोग पूरा मेरा कैसल का आजू बाजू का पूरा लोकेशन देख सकते हैं, इट्स लाइक अ स्मॉल टावर। तो यहाँ से ज़ॉम्बीज वहाँ पे एकदम मजे में दूध खाते हुए, और यहाँ पे भी वो लामा के पीछे दो ज़ॉम्बी पीछे पड़े हुए, सब कुछ एकदम मस्त नज़ारा दिख रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग माइनिंग करने जा रहे हैं, तो माइनिंग के लिए मुझे जो भी चाहिए सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी है। हम लोग कल ही नीचे जाना है और अपना वेपन्स लेके डायमंड माइनिंग करना है, और आज हम लोग 50 डायमंड माइनिंग का चैलेंज को कंप्लीट करेंगे कि नहीं वो देखते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि मैं डायमंड 50 का 50 कंप्लीट कर लूंगा तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ वीडियो पूरा देखने से पहले, एंड बिना बोले वीडियो पूरा देखो यार, तो जाके मालूम पड़ेगा कि आज मैंने डायमंड 50 का 50 कलेक्ट किया कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस हम लोग बेसमेंट में आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने क्या क्या किया वो बताता हूँ। तो बेसमेंट में यार पहले मैंने यहाँ पे कुकिंग एंड वो ओर को निकालने के लिए ब्लास्ट फर्नेस सब कुछ रेडी रखा है, सो दैट जब भी मेरे को आयरन या कुछ भी मिले मैं यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस में उसको करके इंगट बना लूँगा एंड इंगट बना के यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ। फिलहाल के लिए आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास आयरन बहुत है, थोड़ा सा गोल्ड एंड बहुत सारा रेडस्टोन है। एंड ये जो एरिया है ये मेरा वेस्ट एरिया है, जहाँ पे जो भी मुझे कचरा मिलता है सब मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैंने बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिप माइनिंग किया था, ये देखो बहुत ही बड़ा कुफा बना के रखा दोनों साइड में। तो आगे थोड़ा आगे जाते हैं एंड आगे से हम लोग एक नया शुरुआत करते हैं एंड आई होप सो कि आपने को जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो फिलहाल ये साइड में अपन कुफा बनाते हैं और देखते हैं कि आप लोग को कितना डायमंड मिलेगा आज। 50 डायमंड मिलना ही चाहिए भिंडी। डायमंड को देख के बहुत दिन हो गया भाई ज़मीन के अंदर आज तो दिख जाना चाहिए। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मुझे रेडस्टोन मिला एंड रेडस्टोन तो मेरे पास ऑलरेडी भर भर के है यार, और कितना रेडस्टोन देंगे तुम लोग मुझे। वहाँ पे बैट घूम रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। और एक बात है गाइस, मैंने माइनक्राफ्ट में इतना सीखा है कि जब भी आप लोग को छोटा मोटा चीज़ जैसे कि ये कोल जो मुझे दिखा अभी, अगर वो भी दिखा ना आप उसे छोड़ो मत है,
क्योंकि कोल के पीछे कभी कभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी छुपा होता है यार। मुझे पहले नहीं पता था, जब मैं कोल देखता था अगर मेरे पास ज़्यादा है तो मैं उसको खोदता भी नहीं था, लेकिन अब जैसे मेरा कोल दिखता है तो मैं पहले उसी को खोल देता भाई। ये देखो गाइस, मैंने जैसे बोला वैसे ही खोल के बाद में मिल गया अपने को पहला डायमंड आज का। मजा आ गया गाइस, तो चलो डायमंड काउंट शुरू करते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे एक ही डायमंड मिला गाइस, बट ठीक है, डायमंड तो डायमंड, आज अपने को एक मोटिवेशन मिल गया पहला डायमंड दिखा के। एंड आई थिंक कि अपने को मतलब 50 डायमंड मिल जाएगा आज के दिन के लिए। तो जितना भी कोल दिखा, पहले कोल पूरा खोदो भाई, एक भी कोल नहीं छोड़ने का, क्योंकि कोल के पीछे कभी कभी बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ें छुपे होते हैं। मतलब कोल के पीछे यार क्या बोलूँ मैं, तुम लोग के इधर देखो एग्जाम्पल मिलते जा रहे हैं। ये रेडस्टोन मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यार और मिल रहा है। तेरे को लैपिस वसूली मिल गया तो भी ठीक है, थोड़ा काम करेगा, लेकिन यार ये रेडस्टोन ही रेडस्टोन है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे और रेडस्टोन, अरे भाई बस करो रेडस्टोन भाई भाई भाई, थोड़ा डायमंड भी ऐसे मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। तो फिलहाल गाइस, तुम लोग सबको पता है कि आगे जाके कुछ भी खतरा आ सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहले जो भी मुझे चीज़ें मिले हैं उसे मैं स्टोर कर लेता हूँ, स्टोर करने के बाद वापस आता है। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि मेरे को खाली एक ही डायमंड मिला अभी तक, बट ठीक है, बाकी 49 डायमंड आज लेके ही जाएंगे घर पे अपन। तो फिलहाल डायमंड यहाँ पे और यहाँ पे रेडस्टोन है, रेडस्टोन भी रख देते हैं फिलहाल यहाँ पे। एक काम करता हूँ, मैं आयरन पिकैक्स ना दो बना के रखता हूँ, बिकॉज आज हम लोग बहुत खुदाई करने वाले, तो अपने डायमंड पिकैक्स से ज़रूरत होगा ही, तो मैं बना के रेडी रख देता हूँ, सो दैट आगे जाके अपने बार बार यहाँ पे आने की ज़रूरत तो नहीं रहेगा। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो मुझे मिल गया है आयरन, अच्छी बात है। तो जितना भी आयरन मिल रहा है उसे भी ले लेंगे हम लोग, आज बैंडी बहुत माइनिंग करेंगे हम लोग, आज पूरा माइनिंग का दिन है भाई। लैपस वसूली, नाइस, चलो ये भी मिल गया, कोई बात नहीं, दैट्स गुड। लैपस वसूली मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, यार अगर इतना डायमंड मिल जाएगा जितना लैपस वसूली मिल रहा है तो यार मजा आ जाएगा, कितना ब्लू ब्लू मस्त दिख रहा है भाई। ओ भाई मतलब मैंने बहुत सही जगह पे गड्ढा खोदा लगता भाई, यहाँ पे पूरा रेडस्टोन ही रेडस्टोन है। इसका मैं कुछ डेकोरेशन करूँगा आगे जाके शायद से जरूर। रेडस्टोन भाई, रेडस्टोन थोड़ा कम दो, डायमंड थोड़ा ज़्यादा दो भाई प्लीज़, बहुत ज़्यादा रेडस्टोन हो गया है, इससे ज़्यादा रेडस्टोन मुझे नहीं चाहिए ब्रो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने वाला है गाइस। ये देखो और रेडस्टोन मिल गया, अरे वाह बढ़िया। वैसे डायमंड के चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा ये आयरन मिल रहे हैं, एक तरीके से अच्छी बात है, लेकिन यार डायमंड मांगता आप उनको, और कंकाल का आवाज़ आ गया बाजू में कहीं, तो ये लोगों कोई काम धंधा नहीं है, कहीं केव में बैठे रहते हैं और जैसे मैं घुसूंगा मुझे पेलना शुरू कर देते हैं। आज तो यार सही में आयन का पार्टी हो जाएगा मेरा, जॉम्बीज भी बाजू में है। एंड आई थिंक सो गाइस अपन एक केव में आ चुके हैं, बहुत ही भयंकर केव लग रहा है मुझे ये। ओके नो प्रॉब्लम, अपन तब तक थोड़ा सा ये चिल मारते थोड़ा और ये चीज़ें कलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे भी आयरन बचा हुआ है, इसको भी ले लेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अब ऊपर का आयरन को अपने को खोद के निकलना पड़ेगा, लाइक चार आयरन ऊपर लटक रहे हैं, उसको भी ले लेता हूँ। कौन है भाई वहाँ पे, कोई है क्या? आ रहा आ रहा आ रहा, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो आ गया भंटा, पाई लेके रख। अब मुझे इससे आगे जाना है, तो आगे जाने से पहले टॉर्च लगाना है और ये सब भी गड्ढा खोद के निकलना है। इतना सारा रेस्टोर का करूँगा क्या भाई, मैं पटरी बना सकता हूँ, लेकिन कितना पटरी बनाऊँ, किस काम का पटरी? एक काम कर सकता हूँ, मुझे पटरी से कुछ अच्छा आइडिया आ रहा है, वो तुम लोग को मैं अगला वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल के लिए ठीक है रेस्टोर लेके रखता भाई, ठीक है भाई। यार इधर एंडरमैन क्या कर रहा भाई, तेरा इधर कोई काम नहीं है, निकल यहाँ से एंडरमैन, आवाज़ मत कर ब्रो, तेरी आवाज़ से नहीं डरता मैं इधर। इससे नज़र नहीं मिलाना है तो इससे थोड़ा दूर ही रहेंगे भाई, वो बहुत ही भयंकर वाला चीज़ था भाई। अरे भाई निकल जा यार, मैं तुझे नहीं देखना चाहता हूँ, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, तू मेरे मुँह के सामने मत आया कर। लो इसको देखूंगा ना तो मेरी ये लग जाएंगे फूक कट में। ओके आई थिंक सो कि यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ मिल गया अपने को, दैट इज़ नाइस। तो हम लोग और थोड़ा आगे जाएंगे भाई, मैं बहुत ही बड़ा केव में आ गया यार, सच में बहुत कुछ चीज़ें मुझे मिला है इस केव से, लेकिन अपने को जो चीज़ चाहिए था उसके अलावा बहुत कुछ मिला है, वो एक बैड न्यूज़ है, बट ठीक है कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं मिल रहा है। तो गाइस ये मेरा आखिरी आयरन पिकैक्स है, इसके बाद मुझे वापस जाना पड़ेगा, जो भी मिला उसे सब स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करके आने के बाद और भी थोड़ा ढूंढते हैं, खोज करते हैं, आई होप सो कि मिल जाएगा अपने को जो भी चीज़ें अपन ढूंढ के आ रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए।
वहाँ पर देख रहे हो, वहाँ पर मुझे एक ये खोल दिख रहा है एंड मुझे वहाँ पर जाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं जाता हूँ यार। जिधर भी खोल दिखा मैं खोल का एंड तक ढूंढता भाई। मतलब एक छोटी सी चीज़ को ढूंढने के लिए अपने को कितना दूर तक आना पड़ रहा है देख रहे गाइस, डायमंड। बट फिर भी यार एक बात है कि डायमंड इस गेम में बहुत ज़्यादा ताकतवर वेपन नहीं है, इससे भी आगे हैं जो अपने को नेदर पोर्टल में मिलेगा। बट फिलहाल के लिए अपने को डायमंड ढूंढना पड़ेगा सो दैट अपन डायमंड को इस्तेमाल करके उसके आगे वाला वेपन को ले सकते हैं। ओ भाई ये तो और एक नया जगह खोल दिया। ओ भाई बच गया, लिटरली बच गया मैं। एंड यहाँ से अभी वापस मुझे जाना पड़ेगा ऊपर। अरे एंडरमैन तुम तो मेरे आंखों से आंख डाल के देखने बिना नहीं जाएगा ना, ये उल्टी आ रहा तो बोल दे भाई, बकेट वकेट ला के देता हूँ करके निकल जा, लेकिन मेरे पीछे मत पड़े रहे। तो गाइस इतना है कि यहाँ पे जो भी जगह था सब कुछ अपन ने रास्ते में गड्ढा खोद खोद के देख लिया है, अपने को आगे जाने का टाइम आ गया है। अब अपन निकलते आगे जाते हैं और देखते हैं कि हम लोग इससे आगे क्या कर सकते हैं। तो अभी जो भी अपने को चीज़ें मिला यार इन सबको अपन तोड़ के ना लेके जाते हैं अपने एरिया पे। मैं कहाँ से आया था भाई? अच्छा यहाँ से भाई, बहुत अंदर आया यार मैं टनल के नाम पे। गाइस लेकिन बहुत ही बैड न्यूज़ यह है कि अभी तक अपने को खाली एक ही डायमंड मिला है यार, एक ही डायमंड। सुन रहे हो तुम लोग, मेरे दर्द समझ रहे हो तुम लोग? वो भाई दर्द ग्रेवियल बहुत है, अगर मैं ग्रेवियल के नीचे खड़ा रहूँगा तो मेरे लग जाएंगे। तो ग्रेवियल के साइड से अपने को गड्ढा खोदना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। ये ग्रेवियल अचानक से सर पे गिर जाएगा एंड अनएक्सपेक्टेडली गपा गप हो जाएगा। पानी का आवाज़ आ रहा है मुझे, हम पानी के बहुत करीब हैं, इसके मतलब शायद से यहाँ पे और एक गुफा हो सकता है। यार रेडस्टोन तो तेरी क्या बोलो भाई, ये रेडस्टोन इतना सारा मिल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मिल गया भाई, एक पूरा बड़ा चेस्ट भर सकता हूँ मैं रेडस्टोन से। इतना रेडस्टोन का करूँगा क्या बॉस? ये देखो वापस आयरन मिल गया। अरे कोई डायमंड करके एक चीज़ होती है याद है माइनक्राफ्ट, वो मुझे देना है कि नहीं तुम लोग को? मुझे डायमंड चाहिए, भर भर के डायमंड चाहिए मुझे। One hour later. तो guys, ये मिल गया हम लोग को और थोड़ा डायमंड्स, मतलब अभी एक डायमंड मिला है, इसके साथ पता नहीं यहाँ पे कितना डायमंड है, तो हम लोग इन सबको खोद के देखते हैं कि कितना मिलेगा। एक तो भाई बहुत सही लग रहा है यार, तीन चार पांच छः सात आठ। तो गाइस बात यह है कि मैंने बहुत सारे जगह पे मैंने देखा भी है, बहुत लोग का स्ट्रीम भी मैंने देखा है माइनक्राफ्ट का, जब भी डायमंड भर भर के मिलता है तो आपको मैक्स टू मैक्स आठ ही मिलेगा, आठ के ऊपर नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मुझे आठ डायमंड मिला है, हम लोग क्या करेंगे इसे फटाफट जाके अपने जगह पे स्टोर करके वापस आएंगे, बिकॉज मैं जो भी ये डायमंड मिला है उसे मैं खोना नहीं चाहता हूँ। तो फिलहाल अपने पास 9 डायमंड ऑलरेडी आ चुका गाइस, तो मतलब अपने को खाली और 41 डायमंड चाहिए आज का चैलेंज हम लोग को कंप्लीट करने के लिए। तो लेट्स गो, मुझे लगा डायमंड नहीं मिलेगा बट फॉर्चुनेट। ओ भाई कहाँ से आया तू, कहाँ से आया, कहाँ तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने का? पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टॉर्च लगा के रखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पॉन हो जाएंगे तो फिर तो लग जाएंगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं रखता हूँ अपना आयरन का, और यहाँ पे भी आयरन ही रख देता हूँ। और ये देखो भाई रेडस्टोन देखो गाइस, जस्ट लुक एट द रेडस्टोन ब्रो, नंबर देखो रेडस्टोन के। एंड इसके बाद आएगा अपना डायमंड्स गाइस, आज 50 डायमंड ढूंढ के रहूँगा मैं, 50 का 50 चाहिए मुझे। तो गाइस मैंने सारा सामान स्टोर कर लिया, वापस हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा डायमंड को हंट करने, मेरा मतलब माइन करने। तो जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं, फिलहाल अपने पास 9 डायमंड हैं। यार 50 डायमंड कब होगा मेरा? अरे वापस रेडस्टोन मिल गया माय फ्रेंड, वेलकम बैक। बहुत आवाज कर रहे हैं। तो गाइस मिल गया अपने को माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा रेयर आइटम, वो है एक ही एमराल्ड। एक के अलावा नहीं मिलेगा, एक ही मिलता है भाई, बहुत हरामी हो, ज्यादा नहीं मिलेगा, एक जगह पे एक ही मिलता है। अरे फाइनली अपने को गोल्ड मिल गया भाई, गोल्ड भाईजान आपको देखे बहुत दिन हो गया, कैसे हो आप? गोल्ड का क्या काम है भाई, बस पटरी बनाने में काम आता है क्या ये? ये देखो गाइस मिल गया और रेडस्टोन, मुझे भिंडी आज डायमंड मिलेगा कि नहीं? लगता है 50 डायमंड का चैलेंज मैंने लेके गलती कर दिया भाई। वाओ गाइस
और एक एमरल्ड. नाइस. गेम मुझे महंगा चीजें दे रहे हैं, मतलब रेयर आइटम्स दे रहे हैं, लेकिन मुझे आज ये रेयर आइटम की जरूरत है क्या? मुझे डायमंड चाहिए था भाई. मेरा गोल ऊपर देखो यार, भर ही नहीं रहा साला, तब से नो में अटका है. इतनी खुशी. ओ, डायमंड मिल रहा है हम लोग को वापस से. इस बार कितना मिला यार? नाइस. तो डायमंड 8 मिला गाइस, वापस से 8 डायमंड मिला है. इसका मतलब ये हो गया कि 9 + 8 = 17. तो 17 डायमंड मिल चुका गाइस. ये बहुत ही अच्छी न्यूज है अपने लिए. तो गाइस जब भी डायमंड मिलता ना यार, मैं वापस जाके इसको जमा करके आ जाऊंगा. मुझे डायमंड के साथ कहीं लावा में गिरना नहीं है. रेडस्टोन माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक मिस्टर कोल्ड. क्या आप आपके पीठ के पीछे कुछ छुपा के रखें जो आप मुझे नहीं देना चाहते हैं? ऐसा कुछ है तो अभी बताओ, वो मैटर को मैं सॉल्व करता हूँ बैठ के. लैपिस वसूली भी मिल रहा था भाई बीच बीच में, लेकिन अभी वो भी बंद हो गया. भले कुछ भी हो, करते रहो. एक दिन मुझे डायमंड मिलेगा, एक दिन आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब करोगे. ये देखो आयरन मिल गया वापस से. टू मच आयरन. मैं शायद से एपिसोड नंबर 2 या 3 पे ना यार, मैंने आयरन इनगट का पार्टी करके एक एपिसोड बनाया था साला. उसमें मैंने सच में मतलब बहुत कम आयरन है भाई. ये जो हो रहा है ना, ये असली माइनिंग है भाई. इसमें जो आयरन मिल रहा है मेरे को, मतलब उसका 5-6 गुना ज़्यादा है. यू गाइज हैव टू डेफिनेटली वॉच दिस एपिसोड, एपिसोड नंबर 18. मैंने एक बार देखा. ओ भाई 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 भाई. ये देखो गाइस, डायमंड. क्या बोलूं मैं? अरे मस्त भाई, मजा आ रहा है. नाइस, सो नाइस, टू गुड. देख रहे गाइस तुम लोग कोल के पीछे क्या क्या छुपा रहता है. कोल को कभी भरोसा मत करना, कोल बहुत ही हरामी चीज है. ऊपर से कुछ दिखता है लेकिन अंदर कुछ और रहता है. वो फाइनली आई थिंक सो कि हम लोग ये लावा के एरिया में आ ही गए भाई. तो यहाँ पे मुझे फटकन से एक ब्रिज बनाना पड़ेगा. ये देखो गाइस, आज करोड़पति बन के निकलेगा मैं. एंड अपना एरिया यहाँ पे है करके याद दिलाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ रखते हैं और यहाँ पे ऐसे एक वॉल बनाते हैं. अपने को इसे भी क्रॉस करके आगे जाना है तो इट्स अ मस्ट. पत्थर दे दो भाई, पत्थर दो मुझे. अरे तुम फूटने के लिए रेडी है भाई? ये फूटेगा तो मेरे को धक्का देगा भाई, ये धक्का नहीं खा सकता मैं. लेकिन ये बहुत ही बड़ा गुफा है, मुझे ज़रूर इसको एक्सप्लोर करना होगा. तो एक काम करता हूँ मैं, आग के साथ खेलने से अच्छा ना एक बार जाके इसका इन सबको रख के आता हूँ. तो गैस अभी अपने को चाहिए लकड़ी. तो गैस अभी तक अपने को 23 डायमंड मिल चुके हैं. तो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से और 27 डायमंड अपने को चाहिए. अगर मेरे पास इसके लिए ट्रेन होता तो कितना जल्दी पहुंच जाता मैं ऊपर. आई थिंक बाहर बारिश हो रहा है, बारिश में जाके पेड़ काट के आता हूँ. रात हो गया मत बोल भाई. नीचे आग से बच के स्केलेटन से मर जाऊंगा कंकाल से. चलो गाइस अभी के लिए अपने को लकड़ी मिल चुका है. अब मैं जाता हूँ और सो जाता हूँ और कल सुबह उठ के वापस से मैं मेरा काम पे लग जाता हूँ. आए राजू कैसा भाई? ये जिंदा है? लॉल. तो हम जाएंगे गाइस एंड आज भी ऊपर जाके सोते हैं अपन. ऊपर जाके सोने में जो मजा आता है भाई, क्या बोलूं. तो गाइस 23 डायमंड हो चुका है, सो वी नीड मोर 27 टू फुलफिल आवर टारगेट. ओके, अब मैं यहाँ पे एक्चुअली बीच में कल्टी मार के आ गया था जस्ट बिकॉज उधर मेरे को क्रीपर दिख गया था. ये सब कोल मिलके हमको बना रहे हैं, पीछे कुछ अच्छा मत छुपा के रखते लेकिन देता नहीं है. ये देखो गाइस कोल के पीछे क्या छुपा है. ये कोल सही में बहुत ही बड़ा हरामी है गाइस, आज प्रूफ हो चुका है, आज साबित हो चुका है. तो गाइस डायमंड मिल गया वापस. एक ही डायमंड था मैंने उठा लिया भाई, कुछ बचना ही नहीं मांगता. डर गया मैं भेंडी. ऊपर भी लावा, नीचे भी लावा, लेफ्ट में भी लावा, राइट में भी लावा, लावा ही लावा सब जगह पे लावा. पार्टी इज पार्टी.
गाइस तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, लाइक पानी और ये मिलजुला हुआ भाई इस जगह पे। ओ भाई ये लेके जाएगा मुझे आपके पास, रुको भाई रुक के, ये पानी का सोर्स कहाँ है भाई, इसको बंद करना होगा और ऊपर बहुत ही बड़ा खुफा। भाई मैं कहाँ पहुँच गया आज। चलो तो गाइस यहाँ पे मैं टॉर्च लगाता हूँ, जिधर भी मैं जा रहा हूँ टॉर्च लगा के जाऊँगा तो ज़्यादा मुझे मतलब मालूम रहेगा कि मैं कहाँ से आया था और मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो फिलहाल के लिए मैं आया था कुछ यहाँ से, नहीं तो मैं जा रहा हूँ वो बहुत ही बड़ा गुफा के पास। भाई इधर पैर देता था भिंडी, अब मैं कोल के पीछे छुपा कौन है, कोल के पीछे छुपा कौन है वो भिंडी। इधर जाम्बी वाम्बी घूम रहा है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जाके नहीं देखा इधर, भाग 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 भिंडी, ऊपर तो यार पूरा परिवार वाले हैं। आ जा फुट जा फुट जा फुट जा, तू आ जा तू आ जा, तू भी खा ले खा ले खा ले। वो देख कंकाल घूम रहा ऊपर सबसे ऊपर, भाई कंकाल रुक जा भाई, तेरे को तो कोई बुलाए नहीं, खुद आ जा खुद आ जा और मेरे से मार खा ले। आ जा आ जा आ जा आ जा, कंकाल आ जा तू इधर इधर आ कंकाल, ए भाई कंकाल दूर मत रहे मेरे से दूर मत रहे, तू मेरे हाथ से मरेगा साले। हाँ तुम मार दे तुम मार दे तुम। अरे तुम ये ज़ॉम्बी साले, तुम मैं तेरा मामा नहीं है मेरे पे चढ़ने के लिए, तू ऊपर नहीं आएगा, तुम ना ऊपर नहीं आएगा ना, मैं आता ना मैं ऊपर आगे फेलता हूँ तुम लोगों को। भाई रे पकड़ 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 तुम लोग की ये हिम्मत कहाँ से आई, किसने दिलाया तुम लोग इतना हिम्मत। अरे भाई मैं ये कहाँ पहुंच गया भिंडी यार, ये तो बहुत ही बड़ा एरिया है। भाई जो भी आवाज कर रहे हैं मेरी बात सुनो, पहले आ जाओ मेरे पास, दरअसल दूर से अटैक करना नहीं है समझा ना, तू कंकाल है तो कंकाल जैसा बिहेव कर, आग में गिर जा। तो दिस इज वन बिग एरिया ब्रो, इसे पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, पता नहीं इधर बहुत सारे डायमंड मिल सकते हैं। अभी तक डायमंड दिखा नहीं बट गोल्ड तो दिख गया, एंड मैं तो नहीं छोड़ूंगा भाई, आधा अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा, पूरा चाट के जाऊंगा इस एरिया को। तुम भले जितना भी आवाज़ करके मुझे डराओ, मैं नहीं डरने वाला समझा ना। हाँ भाई पता तेरा गला खराब है, ठीक है चल निकल। तो भाई ये बहुत ही बड़ा बहुत गंदा बड़ा एरिया है, लेकिन डायमंड एक भी नहीं मिला, दैट्स अनफॉर्चुनेट। मुझे पहले तो याद रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से आया था भिंडी। बाप रे कितना बड़ा एरिया यार ये, हाँ डायमंड के अलावा सब मिल रहा भाई आज मुझे, डायमंड तो आज मिलने से रहा तुम लोग को, लेकिन पूरा बताऊंगा कि क्या क्या मिला आज मुझे ये एपिसोड के एंड में। कौन है भाई ये, कोई दिख तो नहीं रहा, आवाज ही करते घूम रहे तुम लोग। आओ तो सही तुम लोग को मैं साफ करता हूँ, मतलब तुम लोग को जो चाहिए दिखाता हूँ मैं, लाफा की चमार तुम बताओ। भाई बहुत ही बड़ा है, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने कर लिया कि क्या ही बोलूं मैं अभी। मुझे नीचे जाने के लिए यहाँ पे रास्ता है, सो मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अभी तक मैंने वो सर में भी जाके नहीं देखा, वो सर भी मुझे जाके देखना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। इतना बड़ा बड़ा एरिया हो और उधर लैपिस वसूली दिख गया मुझे, इतना बड़ा एरिया मेरा वर्ल्ड में था भी क्या, मतलब मैंने हिम्मत नहीं उठाया इतना बड़ा एरिया को सर्च करने का। लैपिस वसूली, ओके दो ही लैपिस वसूली दिया उसने मुझे। ओ भाई 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 क्या बोलूं यार, बहुत ही एक नंबर गुफा मिला यार मुझे, ये पता नहीं मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन यार मजा आ गया एक गुफा में आके। गाइस देख रहे तुम लोग ये क्या है, इधर डायमंड इन द हाउस। चलो 1 2 3 4। अरे यार जब भी डायमंड मिलते इतना कम क्यों मिलता भाई, डायमंड थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए यार। कोल बहुत ही बड़ा हरामी इस गेम में, बहुत ही बड़ा जगह है यार ये, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही शानदार जगह है ये। कहाँ से आया था यार मैं भूल जाऊँगा साला बिल्कुल, नहीं भूलना चाहिए भाई। मैं एक जगह पर छोटा सा खुफा बना रहा था एंड इसने मुझे तो एक पैलेस दे दिया भाई, बोला कि भाई ये खुफा उफा बंद कर, ये ले पकड़ इसको बस खोदते रहे, तुझे जो जो सही हो मिल जाएगा।
तो वो साइड के एंड में मुझे कुछ दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि वो साइड के एंड तक जाके देख लो क्या मिलेगा, बिकॉज कभी कभी कुछ अच्छा चीज़ें एंड में मिलता है यार, अपने को एंड तक रुकना पड़ता है। इतना सारा रेस्टोरेंट का क्या करूँगा, नहीं मैं क्या करूँगा इतना सारा रेस्टोरेंट का, तुम लोग बताओ मुझे। बाप रे यार, ये एरिया बहुत बढ़ते जा रहा है यार, ये लिमिटलेस है एरिया। एक काम करता हूँ, मैं पहले जाके देख के आता हूँ मैं कहाँ से आया था, मैं वही वो सच में वही मैं भूल गया यार। देखो तो इसको भी बंद करना होगा नहीं तो आग लग जाएगी मेरे पैंट में। एक्सप्लोर करने के नाम पर मैंने बहुत ही बड़ा गुफा एक्सप्लोर कर लिया भाई, लेकिन द थिंग इज अभी तक मुझे 50 डायमंड नहीं मिला। आई थिंक जब अपने लास्ट डायमंड देखा था तो अपने पास 23 डायमंड्स था, सही है? तो 23 प्लस 5 28 डायमंड्स हो गए अपने पास। आजा भाई स्केलेटन, आजा, तेरा भी काम तमाम करता हूँ। एविंग नहीं, तेरा इम्बोट ला के घूमता है बड़ा। चलो ये मिल गया हम लोग को यहाँ पर, तो ये अंधेरे जगह पर जाके हम लोग को टॉर्च लगा के देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या है। वो देखो वहाँ पे एक स्केलेटन मैन खड़ा है। आजा भाई, आजा इधर 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 आ, का उधर उधर का उधर 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 कौन है, उधर कौन है, इधर इधर देख, इधर सामने से बात कर। हाँ इधर इसका भाई कोई घूम रहा लगता है बाजू में, आवाज़ आ रहा है उसका भी, उसको भी पकड़ के पूछना पड़ेगा कि भाई तेरा कोई काम धंधा नहीं है, मैं ही मिला तेरे को। आई थिंक यहाँ पर मुझे और लावा का आवाज़ आ रहा है, मतलब ये केव और भी बड़ा होने वाला है, लेकिन डायमंड का कोई नामोनिशान नहीं है यहाँ तक। कोई बात नहीं, हम लोग आगे जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे गया था क्या मैं। आई थिंक गया हूँ, यहाँ टॉर्च ला के रखा तो मतलब ऑब्वियसली मैं गया रहेगा। तू कहाँ से आया, नहीं तू बता, तू कहाँ से आया, तुझे कोई बुला? अरे भिंडी दो जगह से नहीं मारने का, दो भाई को संभालना संभालना तेरा, पीछे से मारने में मजा आता तेरे को, पीछे से मारने में मजा आता तेरे को, अब मजा आ रहा है भाई? खाना पड़ेगा भाई, आई थिंक मैं खो गया भाई, बहुत ज़्यादा लालची दिखा दिया जिसकी वजह से आई थिंक सो कि मैं खो गया हूँ। बट नहीं, मैं रास्ता पकड़ लूँगा भाई, कहीं एक रास्ता मिल गया तो उसे पकड़ के आ जाऊँगा मैं। इतना सारा टॉर्च लगा के रखा कि पता नहीं कहाँ से कौन सा टॉर्च कहाँ लेके जाता मुझे। आई एम बैक ऑन ट्रैक गाइस, बैक ऑन ट्रैक। तो फाइनली अपने को कोल मिल गया गाइस, अभी तक हम लोग कोल के रुके थे, इंतज़ार करते करते फाइनली अपने को कोल दिख ही गया। मेरा टारगेट क्या है, तेल लेने। कितना बड़ा कुफा था यार, सही में लिटरली मेरा जेब भर गया। गाइस अभी तक मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं है डायमंड्स के नाम पे। आई थिंक यहाँ पे बस हो गया भाई, मैं बहुत ज़्यादा घूम के ना मैं रास्ता वापस से खो गया लगता है। नहीं भाई बस हो गया, लालची नहीं बनने का यार, क्या करूँ, इतना जगह मैंने पूरा मस्त एकदम सर्च कर डाला भाई एंड मुझे डायमंड खाली 5 ही मिला है। तो गाइस अपने को अभी लगभग 28 डायमंड्स मिल चुके हैं, इसका मतलब अपने को और कितना डायमंड चाहिए पता तुम लोग को, पता है तुम लोग को? और अपने को चाहिए 22 डायमंड्स। अब जाते हैं अपना सामान जमा करते हैं एंड वापस जाते हैं माइन करने के लिए। मुझे डायमंड चाहिए, मुझे डायमंड चाहिए, मुझे डायमंड दे दो प्लीज़ भाई, डायमंड दिखा दो यार प्लीज़, बहुत हो गया। ब्लू ब्लू का कुछ चीज़ तो दिखाओ, मज़ा आ रहा है भाई वो देखने में सच में, मतलब बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है ब्लू ब्लू दिखने से। रेस्टोरेंट और कोल का कुछ चक्कर है भाई, ये दोनों मिलजुले हैं। रेस्टोरेंट ठीक है भाई, कुछ छुपाता नहीं है, लेकिन कोल सारा बहुत कुछ चीज़ें छुपा देता है। ये डाल डेला में फाइनली गाइस, फाइनली डायमंड मिल गया, कम ऑन 8 डायमंड, मुझे 8 डायमंड चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। जब भी मैं 8 बोलता हूँ मुझे 8 देता नहीं, एक ही देगा, ये 2 दिया, चलो 2 ही दिया यार, 2 डायमंड। देख अभी अपने पास 30 डायमंड हो चुका है राउंड ऑफ करके। चलो और थोड़ा कोल ढूंढना पड़ेगा, लगता है कि मुझे लाइफ टाइम के लिए, मतलब मैं माइनक्राफ्ट का सीरीज खत्म करने तक ना मुझे आयरन की जरूरत नहीं पड़ेगी लग रहा है। इतना ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मैंने आयरन ढूंढ लिया यार कि मुझे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एंड करने तक मुझे आयरन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिधर भी कोल दिखा साले, कोल को मैं यकीन नहीं करता, कोल मेरे एनिमी है, दुश्मन, कोल के पीछे लैपस वसूली, भाई कोल यू ट्रेटर। अरे लैपस वसूली, बहुत ही ज़्यादा लैपस वसूली मिल रहा है भाई अपने को, ले पकड़। अरे तू भी आ जा। अच्छा फट गया, तू अकेला है, मैं तेरी मारता हूँ तेरी। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अपने को और थोड़ा लैपस वसूली मिला है, लेकिन नो साइंस ऑफ डायमंड। डायमंड दिख गया तो मज़ा आएगा, लेकिन डायमंड बहुत कम दिख रहा है यार। लाइक अभी 30 हुआ तो मुझे कब, मुझे और 20 मिलेगा? ये डायमंड मिला है
ये आयरन मिला है, ये को ये, तो गाइस डायमंड 30 हो चुका है अपने पास एंड अपने को और 20 चाहिए पूरा करने के लिए। तो आई होप सो कि 20 के 20 मिल जाएगा आज, डायमंड लेके जाएंगे, 50 का 50 चैलेंज कंप्लीट करेंगे भाई। One eternity later. अरे भाई वापस से डायमंड दिख गया यार मुझे, नाइस। एक भाई 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 रुको यार, पहले ये सब साफ कर लेता हूँ एंड अच्छा खासा लाइट लगाता हूँ इधर। भाई नज़दीक में लावा भी है यार, इसका मुझे थोड़ा डर लग रहा है बट ठीक है। 2, 3, 4 अरे 4 ही डायमंड मिला भिंडी। सो राइट नाउ मुझे मेरे पास अभी एग्जैक्टली 34 डायमंड है भाई, मतलब और 16 ही डायमंड चाहिए मुझे। बस दो बार 8-8 करके डायमंड मिल गया तो आज अपना काम खत्म भाई। तो लगता है गाइस हम लोग और एक गुफा में आ चुके हैं, तो अभी अपन बहुत ही ज़्यादा गुफा में आ रहे हैं भाई बार बार। आ भाई तू इधर आ, तू इधर आ, इधर आ, तू उधर से एम मत क्या कर, मज़ा नहीं आ रहा है। किधर किधर इधर इधर देख के मारने को नहीं होता, एक तो ऊपर से इतना नाटक। आई थिंक यहाँ पर मैं आया था भाई, फट जा भाई तू फट जा, तेरा कोई काम नहीं है इधर, कुछ काम का भी नहीं है तो वैसे इधर, बस फटाफट ढूंढते। ओके मैं यहाँ पे आया हूँ, तुम लोग देख पा रहे हो मेरा टॉर्च लगा के रखा है, सो ऑब्वियसली बात है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे और एक बार एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग जाएंगे अपने लाइन पे और वहाँ से अपन और थोड़ा आगे लीड लेके बस गड्ढा खोदते जाएंगे। लैपस वसूली भैया, एक सेकंड के लिए आपने मेरे को तो बना दिया पूरा बिठा के, मुझे लगा आप डायमंड है, आप तो वसूली निकले। अरे कुछ नहीं है इधर, एक काली जगह भेंडी। यहाँ पे सब मैं आके गया क्या, मुझे ही नहीं पता यार यहाँ पे मैं आया था कि नहीं करके। वो देखो कोई बाजू में है भाई, कहाँ से रहा है, क्या हो गया भाई, तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बताओ मैं ठीक करता हूँ। मेरे पास एक तलवार है, सही जगह घुसाऊँगा सब निकल जाएगा। अपने पास वेपन है, अरे डायमंड है भाई, डायमंड है एक, बढ़िया 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 बढ़िया। 2, 3, 4, 5, 6 अरे चाहिए क्या, और एक नहीं है क्या, प्लीज ढूंढो अच्छे से ढूंढ के बताओ मुझे। सो गाइस अपने पास अभी 40 डायमंड्स आ गए गाइस, इसके मतलब अपने कल ही और 10 डायमंड चाहिए, फिर वी नीड ओनली 10 मोर डायमंड्स टू कंप्लीट द चैलेंज। अभी गाइस तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि मेरे पास 40 डायमंड हैं, मतलब मेरा चैलेंज है 50 डायमंड ढूंढना, तो मैंने ऑलरेडी 40 डायमंड ढूंढ चुका हूँ, बस मुझे और 10 डायमंड चाहिए। वो डायमंड मैं ढूंढने तक आज का ये वीडियो एंड नहीं करूँगा गाइस, पूरा देखो। डायमंड के खोज में हम लोग कभी इतना आगे नहीं बढ़े जितना आज बढ़ चुके हैं। लेवल 41 गाइस मेरा अभी तक का हाईएस्ट लगता है मुझे, इससे आगे मैं कभी गया नहीं यार, तो आई थिंक ये लेवल मेरे को संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये लेवल का बराबर से मेरे को एन्चेंटमेंट करके मेरा लेवल घटाना पड़ेगा। रेडस्टोन सब जगह पे है भाई, लेकिन डायमंड का कोई नामो निशान नहीं है। तो गाइस तुम लोग बताओ कि तुम लोग को कितना जल्दी डायमंड्स मिला था, तुम लोग जब डायमंड ढूंढने गए थे तुम लोग को फटाक से मिल गया कि मतलब सालों लग गए थे तुम लोग को भी डायमंड ढूंढने में? बिकॉज मुझे तो यार ऐसा लग रहा है कि 3 साल हो गया है लिटरली यार, मैं अभी तक ये वीडियो एंड नहीं हुआ है लेकिन अभी ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए मुझे ये वीडियो शुरू करके। ओ भाई फाइनली इतना देर बाद डायमंड दिख गया है मुझे, बाप रे पता नहीं कितना मिलेगा यार मुझे, बहुत 10 चाहिए यार प्लीज। 1, 2, 3, 4 बस 4 ही डायमंड, तो 44 डायमंड हो गया गाइस फाइनली। अपने को और 6 डायमंड चाहिए सो दैट आज हम लोग आज का ये वीडियो खत्म कर सकते हैं। लेवल देख रहे हो गाइस मेरा, जब मैं स्टार्ट किया था 20-21 लेवल था मेरा, 20 लेवल बढ़ चुका है 3-4 घंटे बैठ के खोद, मतलब गड्ढा खोदने की वजह से लेवल 20 बढ़ सकता भाई। 346 मिनट्स लेट अभी तक डायमंड नहीं मिला, इतना दूर आया है, इतना गड्ढा खोदा है हमने लेकिन डायमंड मिला नहीं भाई। डायमंड मेरे आंखों के सामने था, मैंने अभी तक नहीं देखा। डायमंड मिला तो गाइस अभी मेरे पास 5 डायमंड है, बस एक और डायमंड की ज़रूरत है मुझे, अगर वो एक डायमंड मिल गया तो मतलब यार आज ये एपिसोड एंड हो जाएगा, मतलब ये पानी के नीचे ही डायमंड था लेकिन मैंने देखा नहीं। भाई भाई नहीं, बाप रे
तो गाइस फाइनली डायमंड मिल गया गाइस, 50 का 50 डायमंड, 50 नहीं 51 डायमंड गाइस, 51 मैंने 50 बोला था लेकिन 51 डायमंड ले लिया है। तो गाइस मेरा चैलेंज था कि मैं आज कैसे भी करके 50 डायमंड्स कलेक्ट करूंगा, एंड जस्ट एज आई सेड मैंने 50 का 50 डायमंड ढूंढ लिया गाइस। तो यार ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे लगभग लाइक अराउंड 5 घंटे लग गए हैं, एंड पता नहीं कि ये कितना टाइम लगेगा एडिट करने के लिए। तो गाइस इतने सारे सामान मुझे मिला है आज का दिन, मतलब लाइक अराउंड मैंने 5 घंटे का रिकॉर्डिंग किया है ये वीडियो के लिए, जस्ट बिकॉज मुझे 50 डायमंड चाहिए था, 50 डायमंड का चैलेंज था। तो गाइस 50 डायमंड मैंने कलेक्ट कर लिया, एंड उसके साथ साथ मुझे भर भर के आयरन और गोल्ड एंड रेस्टोन, तो आप लोग देख ही रहे हो कितना मिला है, लैपिस वसूली भी बहुत भर के मिला गाइस। तो एक तरीके से देखा तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट था मेरे लिए। एंड यहाँ पर भी देखो यार, जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरा लेवल 21 था, लेकिन अब देखो गाइस जस्ट बिकॉज ऑफ माइनिंग मेरा लेवल 45 हो चुका है। तो इस लेवल का भी मैं अच्छे से यूज़ करूँगा, लाइक यूजिंग एन्चेंटिंग टेबल एंड मेंडिंग करूँगा। तो गाइस इतना कुछ मिला है, मैं बहुत खुश हूँ यार इस रिजल्ट से। तो अगर आप लोग भी इस वीडियो से हैप्पी हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कर दो गाइस, एंड अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करो बहुत जल्दी ही, और भी माइनक्राफ्ट का वीडियोस आने वाला है, एंड और भी अलग अलग गेम्स का वीडियोस भी आएगा। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलो, मिलते हैं अगला वीडियो पे, टिल देन फ्रेंडली यूट्यूबर हॉर्नेट्रॉन साइनिंग ऑफ।